जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ यूनिटी 2D गेम पार्ट टू। आई होप यू ऑल वॉच्ड द प्रीवियस लेक्चर आई पोस्टेड एट गूगल क्लासरूम। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दैट पार्ट एट यूट्यूब, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। प्रॉबेबली यूट्यूब वुड बी मोर ईजियर। अच्छा, हमने अपनी लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर में, वी मेड सम एनिमेशंस दैट वी टुक फ्रॉम डाइनो कैरेक्टर फोल्डर, जो हमने इंपोर्ट किया था एज एन एसेट। मेरे पास ये डायनासोर की कुछ एनिमेशंस थी, जो डिफरेंट मैं डायनासोर के इमेजेस से मैंने जो है बनाई थी। ये एनिमेशंस जो हैं बेसिकली एक फोल्डर में ही मैंने सारे रख दिए थे। वो फोल्डर जो है ये एनिमेशंस का फोल्डर था। मैंने सारे कैरेक्टर्स, जितनी जो एनिमेशन मुझे चाहिए थी रेलेवेंट, वो मैंने सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप की, और उसके बाद मैंने उनको ये एनिमेशंस के फोल्डर में सेव कर दिया था। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि बैकग्राउंड हम रखेंगे। मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड और ऐड कर दिया था। लास्ट लेक्चर में मैंने 3 रखे थे, यहाँ 4 हैं। 4 बैकग्राउंड्स के अलावा वी हैव अ डायनासोर विच इज़ एन एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट। वी हैव अटैच्ड अ स्प्राइट रेंडरर टू इट एंड गिवन इट अ सोर्स इमेज। दैट सोर्स इमेज इज़ फ्रॉम द डाइनो कैरेक्टर फोल्डर। यू कैन जस्ट ओपन दिस, ये रेडियो बटन टाइप एक चीज़ है, इधर से अगर आप ओपन करेंगे इसको तो यू कैन सी different sprites. You can select any sprite you want for your game object, empty game object. Apart from sprite renderer, I have attached, by the way, I have given it this sorting layer is a grass layer, it's not a default layer, right? And you can give it some order if you want this dinosaur to appear something in between the grass or behind the grass or ahead the grass. So that can be done. So it's according to your own choice and your own game settings. That can be 0, 1 or -1. Acha ji, uske alawa I have also added a rigid body to the dino character. This rigid body is simple normal 2D rigid body. It's not static, it's dynamic, which is the by default settings in Unity. Then we have added a box collider to the face of the dinosaur, circular collider to the body of the dinosaur. Then we have a grid. Inside that grid we have this tile map. Tile map ke saath bhi humne tile map collider 2D add kiya tha. Then we added a rigid body 2D. Ye wali rigid body humne static rakhi thi. Why? Because we don't want to move our tile collider and we don't want it to fall down. Aur is tarah ki koi setting nahi thi, isne static hi rehna tha. इस वजह से हमने इसको स्टैटिक रख दिया है। सो डोंट कन्फ्यूज़ इट विद द डायनासोर। डायनासोर की रिजिड बॉडी इज़ डायनामिक और इसकी रिजिड बॉडी टाइल मैप की जो है वो स्टैटिक है। देन वी हैव दिस कॉम्पोजिट कोलाइडर। वी कैन रिमूव कॉम्पोजिट कोलाइडर एंड रिजिड बॉडी, बट फॉर फ्यूचर स्क्रिप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस गेम, दिस विल बी हेल्पफुल। So it's better to add a composite collider. Composite collider give this concept of collider as a whole. Like tile map collider जो होगा वो एक tile पे लगा हुआ होगा, और जब हम उसको use by composite करेंगे तो उसका मतलब ये है कि ये जिस तरह हम उसको click करें तो ये हमारा पूरा, देखें, tile map select हो गया है। But composite collider, ये tile map collider जो है वो individual tile पे लगा होता है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा आपने ये बात समझनी है कि हमने कोलाइडर्स किस तरह से लगाए हैं, उनका बिहेवियर क्या होगा। बहरहाल, एनिमेशन में हमारे पास डेड एनिमेशन है, आइडल है, एंड देन वी हैव वॉक एनिमेशन। ये मैंने एक एक्स्ट्रा एनिमेशन वैसे ही बनाई हुई है जेरी माउस कार्टून की, बट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट इन दिस गेम। आइडल, वॉक एंड डेड एनिमेशन हमारे पास है जी। वॉट वी विल डू नाउ, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये डायनासोर मूव करे, तो हम, मैंने आपको बताया था, वी डेफिनेटली वांट टू ऐड अ स्क्रिप्ट एंड देन वी आल्सो वांट टू ऐड एन एनिमेटर टू मेक इट, यू नो, लुक लाइक इट्स मूविंग और इट्स वॉकिंग और जो भी इसकी स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एनिमेटर अटैच कर लेंगे। दिस एनिमेटर
शुड हैव अ कंट्रोलर एज वेल. तो हम इसको यहाँ से, हमने जो एनिमेशंस बनाई हुई हैं उनमें हमारे पास आइडल एनिमेशन है, डेड है और वॉक है जो हमें चाहिए. तो मैं इसको आइडल एनिमेशन दे देती हूँ. वाई? बिकॉज मेरी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो आइडल होगी. तो अगर मैं इसको इस वक्त प्ले करूँ तो यू कैन सी के सिर्फ और सिर्फ ये डायनासोर जो है ये आइडल एनिमेशन शो करेगा, यानी कि जस्ट लाइक ब्रीदिंग वाला एक वो जो एनिमेशन है ना, वो ऐसा लग रहा है कि जस्ट स्टैंडिंग, लेकिन अलाइव लग रहा है. ठीक है, तो ये एनिमेशन मैंने इसको एनिमेटर में लगा दी. और जब मैंने इसके एनिमेटर के अंदर कंट्रोलर को ओपन किया क्लिक करके, तो आप, अच्छा ये आपके पास इस तरह नहीं खुलेगा, मेरे पास क्योंकि ये इस तरह से बना हुआ था कंट्रोलर तो इसलिए खुल रहा है. आप जब इसको खोलेंगे तो आपके पास ये इस स्टेट में होगा. ठीक है जी. सो व्हेन यू विल ओपन इट तो यू विल सी दैट देयर विल बी एन एंट्री स्टेट एंड देन दिस एंट्री स्टेट इज़ गोइंग इन टू द आइडल एनिमेशन स्टेट. सो आइडल एनिमेशन जो है वो आपकी डिफ़ॉल्ट है, तो वो डिफ़ॉल्ट ही रहनी है. अब मैं चाहती हूँ, अभी मैंने ये जो स्टेट्स डिलीट की हैं ये वापस मैं लाऊंगी. वाई? बिकॉज आपने इसी तरह न्यू स्टेट्स इस कंट्रोलर के अंदर लगानी है. ठीक है, अब आपने करना क्या है, करना आपने ये है कि आपने यहाँ से राइट क्लिक किया, एक एम्प्टी स्टेट बनाई. ये एम्प्टी स्टेट को मैंने यहाँ नाम दे दिया, इसको मैं दे दूंगी जी इट्स वॉक. ये स्टेट जो है इसमें वॉक की एनिमेशन जानी है, इसका नाम वॉक हो गया. और यहाँ पे इसको जो मोशन देना है, मोशन क्लिप, दैट इज़ ऑल्सो वॉक एनिमेशन. ठीक है, तो ये आपने रखना है. और एक और स्टेट मैं बना लेती हूँ विच इज़, इसको क्लिक करने के बाद आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज़ डेड, एंड एक दफ़ा यहाँ क्लिक करना पड़ेगा तो नाम इसका डेड हो जाएगा. एंड देन यू हैव टू गो हेयर एंड सेलेक्ट डेड एनिमेशन फॉर दिस स्टेट. नाउ वॉट आई विल डू, आई विल मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम आइडल टू वॉक, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये वॉक तब करे जब राइट एरो की प्रेस हो. फॉर दैट आई विल मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम आइडल टू वॉक, राइट? एंड देन आई विल ऑल्सो मेक अ ट्रांजिशन बैक फ्रॉम वॉक टू आइडल, बिकॉज आई वॉन्ट के जब वो क्री की एरो की पे से अपना हाथ हटा ले प्लेयर, तो आइडल स्टेट पे आ जाए. ठीक है, इट शुडन बी बिहेविंग लाइक इट्स वॉकिंग जब वो खड़ी भी हो डायनासोर. इफ इट्स स्टैंडिंग स्टिल इट शुड बी इन द आइडल स्टेट, नॉट इन द वॉकिंग एनिमेशन स्टेट. एंड देन आई वॉन्ट टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम आइडल टू डेड इफ सम हाउ आर डायनासोर विल गेट कोलाइडेड विद द एनिमी, इट विल डाई. वंस इट विल डाई इट विल नॉट कम बैक टू आइडल स्टेट. सो आई एम नॉट मेकिंग अ ट्रांजिशन बैक फ्रॉम डेड टू आइडल, आई एम जस्ट लीविंग इट हेयर. नाउ वट आई विल डू, आई विल मेक सम पैरामीटर्स ओवर हेयर ऑन द लेफ्ट साइड. ये लेयर्स का एक टैब है, देन वी हैव दिस टैब ऑफ पैरामीटर्स एंड वी हैव दिस प्लस साइन. यू विल क्लिक दिस प्लस साइन एंड यू विल सेलेक्ट बूल फॉर बूलियन पैरामीटर. आई गिव सम नेम क्योंकि मुझे बूलियन वॉक से कनेक्ट करना है. बूलियन इज अ फ्लैग, इट मीन्स इट कैन बी ट्रू इट कैन बी फॉल्स. सो इज वॉक जो है, मेक श्योर यू रिमेंबर द स्पेलिंग दैट यू हैव सेट फॉर इट, बिकॉज स्क्रिप्ट में भी हमारी फिर यही स्पेलिंग यूज़ होगी. इज वॉक का जो इज़ है दैट इज़ आई जो है वो कैपिटल है, स्मॉल है, सॉरी. येस दिस इज स्मॉल, येस. एंड यू डोंट हैव टू इनेबल इट फ्रॉम हेयर, ओके? एंड देन यू ऑल्सो हैव टू मेक अनदर पैरामीटर विच इज़ ट्रिगर. यू कैन एज यू विश, इट इट्स अपॉन योर ओन चॉइस दैट यू मेक इट बूल और ट्रिगर. ठीक है, आई हैव मेड इट ट्रिगर और इसको मैंने नाम दिया हुआ है ट्रिगर डेड का. ट्रिगर डेड मीन्स दैट एक दफ़ा इसमें कोई येस और नो वाली बात ही नहीं है, सो इसलिए मैंने इसको ट्रिगर कर दिया. फ्लैग मुझे लग रहा था कि यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, तो फ्लैग की के बजाय मैंने ट्रिगर रखा है. और ट्रिगर मैं इस वाली ट्रांजिशन पे लगाऊंगी और बुलियन जो है वो इस वाली, इन दोनों ट्रांजिशंस पे जाएगा ये जो वॉक की आपको नज़र आ रही है. सो फर्स्ट आई विल क्लिक ऑन द ट्रांजिशन दैट इज़ गोइंग फ्रॉम आइडल टू वॉक, यानी एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए, वॉक की तरफ हो जिसका. मैंने जब इस ट्रांजिशन को क्लिक किया तो आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गिव दिस कंडीशन, यहाँ से चूज़ करनी होती है हमें. तो इस वॉक उसने खुद ही उठा लिया, उसको ट्रू कर दिया. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे एग्जिट टाइम इसको डिसेबल करना पड़ेगा. ठीक है, एग्जिट टाइम डिसेबल करने से क्या होगा कि वेन एवर आई विल
आई वॉन्ट, आई विल कम बैक टू द आइडल स्टेट, एंड देन आइडल को क्लिक करके अगेन आई विल चूज इज वॉक, बट दिस टाइम इज वॉक इज फॉल्स, एंड आई विल अगेन डिसेबल द एग्जिट टाइम, बिकॉज वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन गो बैक टू वॉक. देन दिस ट्रांजिशन, दिस वन, यहाँ पे मुझे वॉक तो चाहिए ही नहीं. आई वॉन्ट ट्रिगर डेड, एंड ट्रिगर डेड हैज़ नो ट्रू एंड फॉल्स, इट्स जस्ट अ ट्रिगर, सो इट विल वर्क. ये आप इनेबल कर दें या डिसेबल कर दें, इसका एग्जिट टाइम जो है वो हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वंस द कैरेक्टर विल बी डेड, इट विल बी डेड, राइट? सो वी कैन लोड द गेम ओवर सीन, और वी कैन यू नो गो बैक टू अनदर लेवल, और वट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम इज, जो भी हमारी गेम की फंक्शनैलिटी है. इसलिए हमें इसको एग्जिट भी कर देंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भी, इट्स ओके. ओके, राइट? सो नाउ दिस इज़ आर एनिमेटर. फाइनली, दिस इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, दिस जस्ट अ सिंपल एनिमेटर. आइडल से वॉक, वॉक से वापस आइडल, एंड देन आइडल से डेड. ओके, एंड यू मेक श्योर दैट यू हैव नॉट इनेबल दीज पैरामीटर्स फ्रॉम हेयर. वी विल इनेबल देम इन द स्क्रिप्ट दैट वी विल अटैच टू डाइनो, एंड पर्पज़ इसका ये है यहाँ पे डिसेबल करने का, कि फिर हमें स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट मेथड में इनको डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वरना हम पहले ये कर रहे थे कि हम स्टार्ट में जाके इनको पहले फॉल्स कर देते थे. यहाँ इनेबल हुए हुए होंगे तो ज़ाहिर है हमें स्टार्ट मेथड में सिवाय इसके जो हमें चाहिए होगा वो बाकी सबको फॉल्स करना पड़ेगा. तो इट्स बेटर टू डिसेबल फ्रॉम देम फ्रॉम हियर, एंड देन स्क्रिप्ट से इसको आप डील कर लें. ओके, सो नाउ आई विल गो टू द डाइनो, और डाइनो के अंदर हम ये करेंगे कि डाइनो के साथ हम एक स्क्रिप्ट को भी अटैच कर देंगे. विल ऐड अ स्क्रिप्ट, न्यू स्क्रिप्ट. इस स्क्रिप्ट का मैं नाम दे देती हूँ माई डाइनो मूव, और इसको मैं यहाँ पर जो है वो अटैच हो गई है. अब इसको हम विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेते हैं. राइट, सो अभी ओपन हो रही है. अच्छा, अब हमने करना ये है, देखिए एक सिंपल मूवमेंट के लिए तो वी कैन जस्ट ऐड कि अगर हम राइट एरो की से इसको इनपुट, इफ इनपुट डॉट गेट की हम करते हैं, और यहाँ से हम की कोड ले लेते हैं डॉट राइट एरो. सो व्हाट विल हैपन के हम यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट से एक्स और वाई में हमने मूव करना है. हम इसको 0.5 मे बी एंड ज़ीरो कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो 0.5 एफ, बिकॉज़ इट्स अ फ्लोट. सो इससे सिंपली क्या होगा, दिस डायनासोर विल मूव इन द राइट डायरेक्शन, और राइट एरो की से ये 0.5 ट्रांसलेट करेगी. अच्छा, अब यहाँ पे अगर मुझे इसको साथ वॉक एनिमेशन भी रखनी है, तो मैंने ये गेट की तो लिया हुआ है. गेट की जो है वो एरो की चाहे प्रेस हुई भी हो चाहे वो छोड़ दी जाए, दोनों के लिए इनपुट लेगा. यानी कि राइट एरो की जब प्रेस होगी तो भी इनपुट जाएगी, और जैसे आप इनपुट छोड़ेंगे तो वो भी एक इनपुट, उसको भी एज अ इनपुट काउंट करेगा, ठीक है? तो हमने क्या करना है कि हम गेट की के बजाय गेट की डाउन कर देते हैं. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हम की को लिफ्ट करेंगे यानी अप करेंगे उसको, तो हमारा एक इनपुट जो जाएगी वो डिफरेंट होनी चाहिए. तो की जब तक डाउन रहती है, आपकी डायनो ने राइट साइड में मूव करना है, एंड देन इट विल ऑल्सो एनिमेट. उसके लिए अब हम क्या करेंगे, फॉर एनिमेशन वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन एन एनिमेटर ओवर हेयर, डिक्लेयर करेंगे उसको एनिम के नाम से कर लेते हैं, ठीक है? और ये जो है इसको कोई भी आप नाम दे दें, एनिम दे दें, डाइनो एनिम दे दें, बट नॉर्मली हम एनिम देते रहें तो इसलिए बेहतर है कि
कि हम वही देते हैं, उसको हम गेट कंपोनेंट करेंगे और यहाँ पे एनिमेटर को पास कर देंगे। ये हमेशा हम करते हैं जब भी कोई कंपोनेंट ऐड करते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, तो उस कंपोनेंट को स्टार्ट मेथड में गेट भी करना पड़ता है। अच्छा, अब ये हमारे पास एनिम का एक रेफरेंस आ गया, ठीक है, दैट्स एन एनिमेटर रेफरेंस। तो हम एनिम से अपनी जो वॉक एनिमेशन है उसको ट्रू कर देंगे। उसके लिए वो क्योंकि बूलियन थी तो एनिम डॉट सेट बूल करेंगे हम, ठीक है। सेट बूल एक मेथड है जो एनिमेशन को इनेबल डिसेबल कर सकता है। अगर ट्रिगर होगा तो वो सेट ट्रिगर हो जाएगा। तो हमारी एनिमेशन का क्या नाम था, आई टोल्ड यू टू रिमेम्बर, वो था इज वॉक, पैरामीटर था ये, ठीक है। दिस वॉज द पैरामीटर फॉर द एनिमेशन ऑफ वॉक, ये हम यहाँ ट्रू कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब तक हमारी की डाउन रहेगी, यानी एरो की जब तक प्रेस होती रहेगी जितनी भी बार, 1 2 3 उतनी दफ़ा वो वॉक करके आगे जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यही कोड उठाएं और इसको कॉपी करके इसमें कुछ चेंजेस कर दें फॉर आइडल एनिमेशन, अब हम ये चाहते हैं कि जब एरो की से फिंगर लिफ्ट हो, यानी कि एरो गेट की अप हो, राइट ही एरो की होगी, लेकिन वो जैसे ही प्लेयर उस पर से फिंगर उठाए तो ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट तो बिल्कुल भी ना हो, और इस वॉक भी क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, यानी कि अब वो वापस आइडल स्टेट में चला जाए, ठीक है। क्योंकि हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट आइडल है ना, तो यहाँ से हम उसको वापस अब आइडल में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये की अप एंड की डाउन का ये कॉन्सेप्ट है। यू कैन यूज़ entirely different logic, I am just giving you an idea, ठीक है। आपके जहन में अगर कोई और लॉजिक आती है इसको यूँ चलाने की तो आप चला सकते हैं। हम इसको एक दफ़ा सेव कर लेते हैं, इसे हम टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि क्या हम ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे हमें पता चल जाएगा। और आई हैव टू चेक साथ साथ कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। यस, ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक द प्ले बटन एंड आई विल प्रेस द एरो की। अच्छा, ये मैंने एरो की एक दफ़ा प्रेस की, दिस इज मूविंग एंड दिस इज ऑल्सो गिविंग मी अ वॉकिंग एनिमेशन, ठीक है। और ये यहाँ पे आई तो ये खुद ही स्लाइड करके नीचे आ जाएगी, एंड इट्स एक्चुअली नॉट बैड, इट्स वॉकिंग राइट। सो बट ऑब्वियसली आई डोंट हैव अ जम्प मैकेनिज्म, तो मैं कहीं कुछ भी जम्प नहीं कर सकती, तो इट विल डेफिनेटली फॉल डाउन राइट। सो यहाँ पे भी हम अपनी स्क्रिप्ट में ये चीज़ ऐड करेंगे कि जब वो गिर जाए तो भी डेड हो जाए, गेम ओवर हो जाए यहाँ पर। तो ये हम हमारा इट्स नॉट दैट बैड, इट्स एक्चुअली लुकिंग नॉर्मल। अच्छा, इसके बाद हम ये करते हैं कि एक तो जंप का कोड जो है वो लगा लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ फॉर मूविंग राइट एंड वॉक मेकिंग डाइनो वॉक, ठीक है, मूविंग राइट वॉक, ओके। एंड देन वी हैव दिस इज फॉर मेकिंग डाइनो स्टैंड स्टिल इन आइडल पोजिशन, ठीक है। ये वॉक बस ठीक है, दिस इज़ फाइन, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली कि हमने ये क्यों किया है, ठीक है। दिस स्क्रिप्ट जो है वो आपको मिल जाएगी, इसको मैं सेव करती हूँ, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जी आई वॉन्ट दिस डायनासोर टू जम्प, जम्प के लिए हम स्पेस लगा लेते हैं, तो हम यही इसी कोड को कॉपी करके इसमें चेंजेस कर लेते हैं। फॉर जम्प, अभी मैंने लेफ़्ट का नहीं कुछ भी लगाया हुआ, लेफ़्ट को हम डील कर लेंगे फ़िलहाल, अभी हमारे गेम में आगे ही चलना है ना, वापस तो नहीं जाना, तो जब वापस जाने वाली ऑप्शन होगी तो फिर हम लेफ़्ट एरो की को भी हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे हमने गेट की डाउन नहीं यूज़ करना, वी जस्ट नीड स्पेस, की को बस एक दफ़ा क्लिक करने से काम हो जाना चाहिए। एंड देन वी हैव दिस ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट में हम ये करेंगे कि हम
दो तरह से कर सकते हैं, एक हम वाई इसका बढ़ा सकते हैं, दूसरे तरीका ये है, ये एनिमेशन तो हमें चाहिए ही नहीं ना, हम वॉक एनिमेशन ही पे चलते रहेंगे ये, या आइडल आ जाएगी, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अभी मैंने जंप की एनिमेशन इसमें नहीं लगाई, एंड आई पर्सनली थिंक के दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन कि मैं इस पे जंप की एनिमेशन ना लगाऊं। तो अगर मैं यहाँ पे वेक्टर के ट्रांसलेट के अंदर वेक्टर को यूज़ कर लूँ, वेक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वेक्टर डॉट अप को अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे उसके साथ कोई उसको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, इट कैन बी जंप स्पीड। जंप स्पीड जो है मैं यहाँ डायरेक्टली भी पास कर सकती हूँ, एंड आई कैन मेक इट डायनामिक, उसमें ये होगा कि मैं वहाँ पब्लिक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करके इंस्पेक्टर से चेंज कर सकती हूँ जंप स्पीड को हमेशा, ठीक है। तो जंप स्पीड कैन बी लाइक यहाँ पे पब्लिक दे दूँ तो भी ठीक है, यहाँ पे अभी मैं डायरेक्टली दे रही हूँ, देन आई कैन डू द चेंजेस लेटर, लाइक इफ आई एम गिविंग इट समथिंग लाइक 250 मल्टीप्लाई बाय टाइम, बट डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि इसको जो पर फ्रेम आपने अपडेट में है ना आपका ये वाला कोड, तो अपडेट इज़ लाइक 60 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से चल रहा होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम वेल, लेकिन ये कि 60 फ्रेम इसका जो टाइम डॉट डेल्टा टाइम है फिर आपके फ्रेम रेट को स्टैंडर्डाइज कर देता है, ठीक है। बल्कि उसके अंदर मैं फिक्स्ड अगर रखूँ, फिक्स्ड की ऑप्शन मेरे पास आ रही होगी, फिक्स डेल्टा टाइम है, ठीक है, तो दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन। और यहाँ पे बस ठीक है, फाइन, तो इतना ही हमें करना है, इसको हम सेव करते हैं, तो अब हमारा डायनासोर जो है वो जंप भी करेगा होपफुली, विल सी के जी स्पीड हमारी क्या है। उसको प्ले करते हैं, विल सी। की मुझे बार बार प्रेस करनी पड़ी है, एक ही दफ़ा प्रेस किए रहूँगी तो भी वो एक इनपुट ही लेगा उसको, ठीक है। सो दिस इज़ ओ व्हाट इज़ दिस, इट्स इन द एयर, इसने जंप की है लेकिन बहुत ज़्यादा जंप है ये, और ये मेरा ख्याल है या जंप नहीं की है, जंप हमें एक दफ़ा ज़रा दोबारा मैं देख लेती हूँ, नो वन आई कैन नॉट फिगर इट आउट, आई वॉन्टेड टू यू नो, ये वापस आया है, ये जंप बहुत हाई है एक्चुअली, यस। तो इस जंप की हम जंप की जो ये जो प्ले है ना इसका, वीडियो का और गेम का, ये एक ही तरफ है, इस वजह से समटाइम्स आई फील कि मेरी वीडियो जो है वो बंद ना हो जाए। अच्छा, इसको हम यहाँ से कुछ कम कर देते हैं, आई विल गिव इट लाइक 150 इज़ फाइन, एनी अदर ऑप्शन टू, ओके, ठीक है जी, ये बेसिकली वो एयर में जाती है डायनासोर, तो वापस आती है, वो इट्स अ लॉट ऑफ फोर्स एक्चुअली। ये समटाइम्स इट डिपेंड्स कि आपकी डायनासोर को कितनी ग्रेविटी दी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहाँ पे रिजिड बॉडी में होगी वो हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि वो जल्दी नीचे आ जाए। इसको हम प्ले करते हैं, अब क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाई है तो हमारी जो डायनासोर है वो ठीक है ना, अच्छा ये वापस आएगी, अच्छा अब हमें ऑब्वियसली कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे कि हमारा जो जंप जब वो करे डायनासोर, तो
वो जो हमारा बैकग्राउंड गायब हो जाता है जब वो जंप करती है. ओके दिस इज़ जंपिंग एंड बट इट्स नॉट रीचिंग अप अगेन. तो हमें यहाँ पे कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे कि हमारा जो एक तो जंप फोर्स को मज़ीद हम कम कर लेते हैं यहाँ से. लेट्स मेक इट लाइक 30 20 मे बी. इट्स गोइंग वेरी हाई. आई पर्सनली थिंक कि शुडन्ट गो दैट हाई. अच्छा खैर चलें इसको हम एडजस्ट कर लेंगे. हमें ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा कि जंप इतनी हो कि हमारा बैकग्राउंड ना जाए, या फिर हम ऊपर मज़ीद कुछ बैकग्राउंड्स लगाएं जो कि हमें लगे कि यहाँ पर जैसे अगर मैं एक और बैकग्राउंड ऐड करूँ तो इट शुड बी लाइक. अब ऑब्वियसली ये मुझे पीछे रखना पड़ेगा तो इसकी -10 में रखती हूँ. और इसको अगर मैं फिर नीचे कर लूँ, इसका मैंने वो नीचे कर लिया ना, तो अब ऐसा लगेगा कि मे बी दिस विल वर्क राइट. सो इसी की अगर मैं मज़ीद कॉपीज़ बना लूँ तो ये फिर इस तरह से थोड़ा सा अप हाई हो जाएगा. ठीक है वी कैन. ठीक है जी देखते हैं इसको. लेट्स मैंने इन इन चारों बैकग्राउंड्स की वो ज़रा पीछे रख दिया इनको. -2 पे रख दूँ तो क्या है, खैर वो एक ही बात है क्योंकि वो पीछे हैं. तो चलें देखते हैं इसको मज़ीद ना. हम थोड़े और बैकग्राउंड्स भी ऐड कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते थे कि हम इन बैकग्राउंड्स का जो स्केल है वो थोड़ा सा हाई कर ले, लेकिन उससे वो स्ट्रेच हुआ हुआ नज़र आएगा. ठीक है आई डोंट वॉन्ट दैट एक्चुअली. ठीक है तो वो 1 ही रहे तो बेहतर है. अच्छा ये जो आपने ये वाला डिस्प्ले देख रहे हैं, ये मैंने लैंडस्केप में किया हुआ है. आप अगर इसको कर रहे होंगे तो फ्री एस्पेक्ट में कर रहे होंगे राइट. तो मेरा लैंडस्केप क्योंकि मैं ये मोबाइल के लिए बना रही हूँ, आई टोल्ड यू इन क्लास एज वेल कि ये ये जो एस्पेक्ट रेशियो है इसको 16:9 कर लें या 10 कर लें. तो ये आपके मोबाइल फ़ोन के लैंडस्केप मोड के साथ कंपैटिबल हो सकेगा. अच्छा आगे चलते हैं और हम मज़ीद कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं इसमें. ये मैं डाइनो को ज़रा नीचे ले आऊँ. अच्छा डायनासोर के ऊपर आपने ये वाली स्क्रिप्ट लगा ली, एनिमेटर लगा लिया. नाउ वी वांट सम मोर एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल आई वांट अ ब्लेड, अ सॉ ब्लेड, या कोई ऐसा हर्डल जिससे डायनासोर जो है उसको जंप करना पड़े. तो उसके लिए यहाँ बे एट गेम्स के फोल्डर में मेरे पास यहाँ एनिमी का एक फोल्डर है. अगर आप इसको मैं टॉल लेआउट कर लेती हूँ ताकि ये हमारे पास थोड़ा सा नज़र उस तरह से आए कि गेम जो है ना वो. अच्छा यहाँ पे ये हमारे पास ये आ गया और इससे कुछ हमारे फोल्डर्स नज़र आएंगे. ये बेट गेम्स के अंदर एनिमी का एक फोल्डर है और इसमें हम जाते हैं. यहाँ पे PNGs पड़ी हुई हैं तो ये 512x512 जो है इसमें कुछ एनिमीज़ हैं. आप देखें उनके फेसेस भी हैं. तो आई व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस सॉ हेयर. ठीक है दिस इज़ द सॉ ब्लेड कह लें आप इसको या वट एवर यू नो. आई विल जस्ट गिव इट सम प्रॉपर साइज क्योंकि ये सर्कुलर है तो 0.3 एंड 0.3 अगर रहे इट विल नॉट लुक दैट बैड एक्चुअली. तो ये यहाँ पे हम रखेंगे. हमने 100 को जब हमने सेलेक्ट किया है सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम देख लेंगे कि इसकी डिफ़ॉल्ट लेयर क्या है. इसकी डिफ़ॉल्ट लेयर में ग्रास ही रख देती हूँ एंड आई वॉन्टेड टू मूव, मतलब ऐसा लगे कि ग्रास के अंदर से चल रहा है. अगर मैं इसकी लेयर अबव आगे की तरफ यानी ग्रास से बाहर रखूँगी तो ये 2 पे आ जाएगा, लगेगा बाहर है. ठीक है या 1 पे अगर लाती हूँ तो इसको मैं 0 पे रखती हूँ या माइनस में रखती हूँ. 0 इज़ फाइन एक्चुअली. तो इसको पीछे रखते हैं और 100 को हम चाहते ही हैं कि हम इसको रोटेट भी करें और लेफ्ट और राइट ये इस तरह से रोटेट होता हुआ मूव करें. ठीक है
अभी हम सौ को एक हमने अपनी मर्जी से एक पोजीशन पे रख दिया हुआ है, और इसकी जो एक्स पोजीशन है वो सब 0.7 है। वी वांटेड टू मूव फ्रॉम दिस 5 से लेके ये कहाँ तक जाए, -2 मे बी टू 5। -2 और 5 में कितना कोई फ़र्क है, 7, ठीक है, 7 पॉइंट्स का फ़र्क है। तो वो हम स्क्रिप्ट से डिस्टेंस दे देंगे। यूनिटी के अंदर एक मेथड होता है पिंग पोंग, मैथ डॉट पिंग पोंग। वो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट और राइट एक पोजीशन आप दे दें तो उनके दरमियान मूव करता है, ठीक है। तो हम बेसिकली यही मेथड यूज़ करेंगे, और 100 के ऊपर हम एक स्क्रिप्ट लगा देंगे। दिस स्क्रिप्ट कैन बी नेम्ड एज 100 मूवमेंट, ठीक है। और इसको हम 100 के ऊपर लगाने के बाद इसको ओपन करेंगे। अच्छा जी, सो दिस इज़ द स्क्रिप्ट, और इसको अब हमने चलाना है। सबसे पहले हम मैंने आपको कहा था कि हमने दो पोजीशंस के दरमियान डिफरेंस लेना है, तो हम वेक्टर्स ले लेंगे कुछ, ठीक है। एक हम पब्लिक ले लें, प्राइवेट ले लें, डिपेंड्स। मैंने पब्लिक इसलिए लिया है कि आप डायनामिकली इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं कहीं से भी। सो पब्लिक वेक्टर है, इसका नाम हम पोजीशन 1 रख देते हैं, ठीक है। और एक और पब्लिक वेक्टर ले लेते हैं, इसका नाम हम पोजीशन 2 रख लेते हैं, ठीक है। जस्ट चेक, ओके। एंड देन वी हैव दिस अनदर पब्लिक वेक्टर 2, ये वेक्टर 2 ही होते हैं सारे, तो उसका नाम हम रख लेते हैं पोजीशन डिफरेंस, ठीक है। और इसको हम कोई वैल्यू भी पास कर देते हैं, वो डिफरेंस हम यहाँ पे दे देते हैं। हमने एक्स और वाई का देना है ना, तो हम 6 7 पॉइंट्स था, 6 पॉइंट्स था, 7f2, यहाँ पे हम 0 ही रखते हैं, वाई तो हमें नहीं चाहिए ना। तो ये हमारे पास जो है, सॉरी यहाँ पे मैं क्या मिस कर रही हूँ, न्यू वेक्टर 2 भी तो देना है ना, ठीक है, क्योंकि आपने यहीं पे पास करनी है इसकी वैल्यू। अच्छा, इसके बाद हम आगे आते हैं, और अपने स्टार्ट के मेथड में हम पोजीशन, जो भी पोजीशन 1 और पोजीशन 2 की वैल्यूज़ हैं वो असाइन कर देते हैं। पोजीशन 1 इज़ बेसिकली ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, यानी कि 100 की अपनी पोजीशन, ठीक है। और जो कि पोजीशन 2 है, पोजीशन 2 इज़ बेसिकली पोजीशन 1 प्लस द डिफरेंस, ठीक है, वो जो डिफरेंस हमने क्रिएट किया। तो हर दफ़ा पोजीशन 1 के अंदर पोजीशन डिफरेंस ऐड हो के पोजीशन 2 को वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, एक काम तो हमने ये करना है कि हम वी वांटेड टू रोटेट। फॉर रोटेशन हम क्या करेंगे, हम ये सिंपली ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट लगा के, और जी एक्सेस में रोटेट करना है हमने, बिकॉज़ एक्स वाई पे तो वो उस डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगा, हमने उसको सर्कुलर मूवमेंट देनी है ना। तो हम उसको यहाँ पर प्रॉब्ली 1 या 2f के हिसाब से रोटेशन दे देंगे। और अब हम टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है, जो हम टू एंड फ्रो मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम हर दफ़ा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन में हम वैल्यू पास करेंगे। वो वैल्यू क्या होगी, हर दफ़ा वेक्टर 2 डॉट LERP। LERP वो मेथड है जो कि मूव करेगा फ्रॉम 1 पोजिशन टू 2 पोजिशन, यानी कि 2 वेक्टर्स के दरमियान पोजिशन आएगी, जो वैल्यू है वो पिंग पोंग का मेथड देगा। तो यानी कि मैं अब यहाँ पे देखें, वेक्टर ए और वेक्टर बी देना है मुझे, और एक फ्लोट वैल्यू देनी है। तो जो वेक्टर ए है वो ऑब्वियसली पोजीशन 1 हो गई जो हमने ऊपर पास की है, दूसरी जो है वो पोजीशन 2 हो गई। इन दोनों के दरमियान जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें कैसे आएगी, वो आएगी मैथ डॉट पिंग पोंग से आएगी जी।
पिंग पोंग मेथड इज़ अ बिल्ट इन मेथड, और वो वैल्यू डिफरेंस है, ठीक है। अब वो डिफरेंस हम पास करें, सिर्फ और सिर्फ हमें वो जो स्पीड है ना वो देनी पड़ेगी कि वो एक तो किस स्पीड से उसने जाना है, ठीक है, और या वो स्पीड हम पास करेंगे तो वैल्यू उसके साथ ही जो है वो आ जाएगी। हम करेंगे ये कि एक तो हम स्पीड को करेंगे, स्पीड हमें ऊपर डिफाइन करनी पड़ेगी, स्पीड हम वैसे भी दे सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम हो गया स्पीड। अगर कोई ऐसा वेरिएबल हो ना जो आप पास कर रहे हैं इस तरह से, स्पीड है स्पेशली, तो आपको टाइम डॉट डेल्टा टाइम से उसको हमेशा मल्टीप्लाई करना चाहिए, सम टाइम्स वो एरर ही आ जाता है आपके पास। तो ये आपका 7 आ गया इसके अंदर। पिंग पोंग के दो वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, एक तो स्पीड हो गई, दूसरा उसकी लेंथ कि वो किस लेंथ पे उसने मूव करना है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो 1 पॉइंट, ठीक है जी। मैं ये इसको दे देती हूँ। स्पीड का एरर इसलिए आ रहा है कि हमने स्पीड को ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। दिस कैन ऑल्सो भी पब्लिक कर लें या एनी वे फ्लोट कर लें, ठीक है। इसको मैं वैल्यू दे देती हूँ कोई, हम वो वैल्यू डायरेक्ट भी दे सकते थे, नहीं हो यहाँ पर इसको भी हम पब्लिक कर लेते हैं, देखते हैं कि हमें अगर इंस्पेक्टर से इसको चेंज करना पड़े तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये हमारा होपफुली देयर इज नो एरर, इसको सेव कर लिया और अब हम ये खोलते हैं। तो अगर मैं इसको प्ले करूं तो ये देखें हमारी 100 जो है, दिस इज दिस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और नो, ये रोटेट कर रही है, इट्स नॉट मूविंग, ओके। खैर एक तो हमारा व्यू इसमें मैक्सिमाइज नहीं हुआ हुआ, हम वापस उसको 2/3 पे करते हैं, और 100 जो है ये, अच्छा इसकी थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा देते हैं, ओके प्ले करते हैं। इट्स रोटेटिंग एंड बट इट्स नॉट मूविंग टू एंड फ्रो, वेट। अच्छा जी, यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है हमारे पास, इसमें हमने ठीक है ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट मैंने नीचे कर दिया, पहले ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन किया है फिर रोटेशन लगाई है, ठीक है। पहले मैंने उसको ऊपर किया हुआ था, अदर देन दैट एवरीथिंग इज द सेम। और इसको हम दोबारा चलाते हैं, लेट मी जस्ट प्ले इट अगेन। राइट, सो ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड एक्चुअली। इसको मैं एक तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ से रख देते हैं इधर, ठीक है, और यहाँ से हम इसका डिफरेंस 7 कर देते हैं, स्क्रिप्ट से ही 7 कर देती हूँ मैं वैसे। ठीक है, अब होगा ये कि आपका जो डायनासोर है, अब डेफिनेटली इसके ऊपर हमें कोई कोलाइडर भी लगाना पड़ेगा ताकि हमारी डेड एनिमेशन जो है वो तब कॉल हो जब डायनासोर जो है वो इससे टकराए, ठीक है। अभी तो ये होगा कि हमारी डायनासोर ये चली और चलते चलते इससे गुजर गई, इट्स नॉट यू नो, ओके ये आगे
एक दफ़ा हम इसको दोबारा चलाते हैं। सूलन हमें इसको प्ले करते हैं एक दफ़ा, तो हमें इसको ऊपर से जंप एक तो करना पड़ेगा क्योंकि तो गई है, लेकिन अगर हम ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट जो हमने डायनासोर को किया था वहाँ पे भी अगर हम वेक्टर टू डॉट राइट कर दें तो आई थिंक थोड़ी बेहतर मूवमेंट होगी। बहरहाल हम आगे ये कर लेंगे चेंजेस। अभी हम ये करते हैं कि जो है वो एक कोलाइडर लगा लेते हैं इसके ऊपर, उससे जो है हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमारी कोलिजन डिटेक्शन हो रही है या नहीं। तो ये 100 है हमारा, ठीक है, ये 100 के ऊपर एक हम सर्कुलर कोलाइडर लगा लेते हैं, और अगर हम बैकग्राउंड हटाएं तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा कोलाइडर इज़ लुकिंग फाइन। ठीक है, ये हमारा कोलाइडर है तो सही लगा हुआ है। तो अब होगा, होना ये चाहिए कि जो डाइनो मूव की हमारी स्क्रिप्ट थी इसके ही अंदर हम अपडेट से बाहर निकल के कोलिजन डिटेक्शन करते हैं। इसके लिए हम प्राइवेट वॉइड ऑन कोलिजन एंटर 2D करेंगे। ठीक है, 2D गेम है तो आपका ऑन कोलिजन एंटर 2D आ जाएगा यहाँ, और आपका जो अब ये रेफरेंस बनेगा कोलिजन का उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि इफ़ कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम स्टार्ट्स विद से कर लेते हैं व्हाट 100 ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर एक तो हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कोलिजन हो रही है नहीं हो रही। तो कोलिजन कभी कभी इंटेलिजेंस जो है ना वो आपको ज़्यादा ही परेशान करने लगता है। देयर इज कोलिजन, ठीक है, एंड आई डोंट नो इसके ब्रैकेट्स इधर और उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारी जो डेड एनिमेशन ट्रिगर हो जाए, तो एनिम डॉट सेट ट्रिगर मैंने कहा था ना आपको, तो वो हम करेंगे सेट ट्रिगर। और हमारी एनिमेशन का क्या नाम था, इसके एनिमेटर को खोल लेते हैं ना, हमारा जो पैरामीटर था वो था ट्रिगर डेड, ये नाम था ना ये वाला, तो ये है जी ट्रिगर डेड। और ये इसको ट्रू फॉल्स करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ ट्रिगर होना चाहिए। इसको हम सेव कर लेते हैं, पहले हम ये देखेंगे कि हमारी कोलिजन जो है वो हो रही है या नहीं हो रही। उसके लिए हम देखेंगे कि प्रिंट जो है वो यस देयर इज कोलिजन फाइनली इट्स डेड। ठीक है, तो अब नॉर्मली हमें करना ये है कि हमारा जो सीन है इसको मैं उसमें जब इस वक्त डेड एनिमेशन कॉल हो, देखें ये कोलिजन भी हो गई है और उसने ट्रिगर भी कर दिया है डेड को, तो यहाँ हमारी ये टारगेट तो अचीव हो गया कि हमने डेड एनिमेशन तब तब कॉल करनी है जब जहाँ जहाँ उसको वो मिले। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जहाँ जहाँ उसको हर्डल मिले या एनिमी मिले। तो इसके अलावा मैंने आपसे ये कहा था कि ये हम ठीक कर लेते हैं, ट्रांसलेट हमारा इतना कोई
स्मूथ नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसको हम वेक्टर टू डॉट राइट से इसको मल्टीप्लाई बाय क्या वैल्यू दें इसको, 100 दे दें, इज 100 हो गए, या आई थिंक 100 इज़ फाइन, लेकिन फिर हमें प्रॉबेबली जंप को भी एडजस्ट करना पड़ेगा उसके हिसाब से, तो हम ये टाइम फिक्स डेल्टा टाइम कर लेते हैं, और ये हमारा ये अप हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है, तो स्मूथनेस के लिए कर रही हूँ। बाद में हम एक कैरेक्टर कंट्रोलर स्क्रिप्ट है जो यूज़ कर सकते हैं स्मूथनेस को मज़ीद बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें भी हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो अनलेस वी विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग बाय आर सेल्फ ऑन द डाइनो मूवमेंट के लिए या एनिमेशन के लिए, हम उस स्क्रिप्ट को ना समझ सकते हैं और ना उस स्क्रिप्ट के अंदर अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। आई कैन डायरेक्टली अटैच दैट स्क्रिप्ट, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं करी कि हम पहले इसको समझ लें कि हमने डायनासोर की मूवमेंट और उसके एनिमेशन को किस तरह से कंट्रोल करना है, ठीक है, उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, अब एक काम हम और करते हैं यहाँ पर, ये होपफुली इट विल ट्रांसलेट एज वेल, इसको मैं एक दफ़ा आपको दोबारा चला के दिखा देती हूँ। सो इट विल यू नो यू इट विल हैव टू जंप, ओके, ऑलराइट, सो इट्स हेयर, आई डोंट नो इसको कोई स्लैब मिली है। अच्छा, थोड़ा सा कंट्रोल मेरे ख्याल है और हमें करना होगा कि बैकग्राउंड गायब ना हो, या फिर हम थोड़ा सा एक आधा स्लैब ऊपर और लगा लें, और फिर नीचे व्यू के लिए हमें कैमरा यूज़ करना पड़ेगा कि डायनासोर अगर नीचे देखना चाहे तो कैमरा ऊपर नीचे चला जाए वो वाला, राइट। सो कैमरा पे या तो हमें कोई स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी कि हम अगर व्यू करना चाहें तो हम लेफ़्ट और राइट की से देख सकें, ठीक है, कैमरे को भी, अदरवाइज अब आई कैन नॉट, आई डोंट नो कि सी, इट कैन यू नो, आप इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं और आप इसको जो है वो, तो एक तो ये कि हमारे स्लैब्स थोड़े से व्यू में होने चाहिए डायनासोर की, अगर वो व्यू में नहीं है इट मीन्स कि नीचे जो है वो खाई है उसमें गिर सकती है डायनासोर, तो ये हमें गेम सेमेंटिक्स है, आगे आगे हम उसको बेहतर करते जाएंगे, जैसे जैसे आप भी अपनी गेम बनाएंगे तो आप इसमें न्यू आइडियाज़ जो हैं वो रख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा, अब हम एक काम छोटा सा ये करते हैं, जैसे कि हम ये देख रहे थे कि हमारा ये वाला जो बैकग्राउंड है यहाँ पे इस वाली स्लैब और इस वाली स्लैब में बहुत गैप है, तो उसके लिए हमें कोई हेल्प चाहिए होगी या कोई ऐसा सिस्टम चाहिए होगा, मैंने ये गैप खुद रखा है, मैं चाहूँ तो कम कर दूँ इसको और हम यूँ ही जंप करते करते आगे चलते जाएँ, बट ऑब्वियसली वी वॉन्ट टू मेक अ गेम प्ले, तो हम एक एलिमेंट है हमारे पास क्लाउड का, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्लाउड्स ही लगे हुए हैं, ये बैकग्राउंड पे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है बट व्यू में हमारे जब गेम चल रहा होता है तो शायद इतना नहीं पता चलता, हम बहरहाल हम इसको मज़ीद बेहतर इस तरह से कर सकते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है इसको सामने रख लें, ठीक है, अभी शायद ना बुरा ना लगे क्योंकि ऊपर से शेड जो है ना वो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था, ठीक है, ये हम कर सकते हैं और मज़ीद एक दो और बैकग्राउंड्स ऐड कर सकते हैं हम ऊपर या नीचे, एनी हाउ, और जंप की लिमिट भी हम थोड़ी सी और कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं कि हम एक और एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं क्लाउड, ठीक है, नाउ दिस क्लाउड इज़ बेसिकली एन एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, इसको हम एक स्प्राइट रेंडर देते हैं, ठीक है, और स्प्राइट रेंडर का मतलब ये होगा हम इसको कोई स्प्राइट देना चाह रहे हैं, कोई शक्ल देना चाह रहे हैं, वो स्प्राइट हम यहाँ से देख सकते हैं, हमारे पास एक क्लाउड है, ये इट्स अ 2D क्लाउड स्प्राइट जो मेरे पास मौजूद है, मैं क्या करूँगी कि ये जो क्लाउड मैंने बनाया है इसके स्प्राइट रेंडर को सोर्स इमेज ये वाला क्लाउड दे दूँगी मैं, ठीक है, तो आई हैव मोर क्लाउड एज वेल, अगर आप देखें ना यहाँ पे तो आप इनमें से भी कोई चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये जो क्लाउड्स हैं ये देखें, तो अब ये क्लाउड आपके पास है
एंड इट कैन एक्चुअली यू नो मूव, यू कैन सी इट। इसको हम थोड़ा सा, अगर मैं इसको एक दो और क्लाउड्स हैं मेरे पास, जो क्लाउड मैंने कहा था वो दे देती हूँ। ये दिस इज़ अ बेटर वन, क्योंकि ये नज़र आ रहा है और इसकी लेयर, उसकी भी लेयर हम ग्रास रखते तो ठीक था, लेकिन ये एटलीस्ट खड़े होने के लिए इतना बुरा नहीं है। तो अगर हम इसको चलाएं तो भी ये इस, अगर हम इसको इधर ले आएँ इस वाले गैप में, तो हम देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है क्लाउड। ये तो ये इस गैप में हेल्प करेगा डाइनो को, ठीक है। इस क्लाउड को हम बेसिकली कोई रंग चेंज भी कर सकते हैं, ताकि गेम में प्लेयर को ये हो अंदाज़ा कि ये एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग के लिए या हेल्प के लिए, आप कुछ भी कह लो उसको, तो इट कैन, यू कैन गिव इट सम यू नो काइंड ऑफ अ ग्रे, एंड थोड़ा सा इसको हम ग्रे कलर दे देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये क्लाउड जो है ये आइडेंटिफाई हो सकेगा, ठीक है। और आप इसको कोई डार्क ग्रे भी कलर दे सकते हैं, या पर्पल, और यू नो सम रेड। रेड इज़ टू वियर्ड, आई थिंक हमें थीम के साथ रहना चाहिए, तो ग्रे इज़ फाइन, क्योंकि भाई 100 भी ग्रे है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कलर वेरिएशन दे रही थी, थोड़ा डार्क दे देते हैं, ठीक है। 100 से तो ये हमारा क्लाउड हो गया। और आप देखें जो स्क्रिप्ट हमने 100 पे लगाई थी, वही स्क्रिप्ट हम क्लाउड पे लगा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा ये क्लाउड जो है ये टू एंड फ्रो मूव करे, ठीक है, और लेकिन ये पूरे बैकग्राउंड को कवर करे, और हम एक से ज़्यादा क्लाउड भी लगा सकते हैं वैसे, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा क्लाउड, ये नज़र आ रहा है, इज़ इट विजिबल और नॉट। समटाइम्स अगर आपका व्यू जो है वो चला जाए, तो मैंने कैमरा बाहर रखा हुआ, कैमरा स्क्रिप्ट आपने लगानी, मैंने नहीं लगाई हुई, आपने कैमरा स्क्रिप्ट लगानी है, वो ऑफसेट वाली जो शुरू में मैंने आपको दी थी, ठीक है। तो उससे हम इसको अलाइन एक तो कर लेंगे, अलाइन विद व्यू करेंगे, और कैमरे को वापस मैं डाइनो में रख दूँगी अभी, और बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा बेहतर करेंगे हम, यहाँ रखेंगे, ठीक है। कैमरा हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं कैमरा यहाँ, ठीक है, ओके। सो इट्स गोइंग टू वर्क नाउ। अच्छा जी, ये हो गया। नाउ वी वांट दिस क्लाउड टू मूव टू एंड फ्रो, इसको हम यहाँ फ्रंट पे यहाँ रख देते हैं, ताकि जब गेम शुरू हो तो, या थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ये यहाँ से शुरू हो, ताकि ये गेम से बाहर हो जब चले, और डायनासोर जब आगे मूव करे तब ये पीछे से चलता हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके ऊपर भी हम एक स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं क्लाउड मूवमेंट की। अच्छा, आप एक से ज़्यादा क्लाउड रख सकते हैं ऑब्वियसली, आपको अगर लेवल अपने हिसाब से बनाना है ऑब्वियसली। तो ये हमारा स्क्रिप्ट हो गई क्लाउड की, ठीक है, क्लाउड मूवमेंट के नाम से। इसको हम ओपन करते हैं, और एग्जैक्टली जो 100 मूवमेंट वाली स्क्रिप्ट है ना, यही हम उठा के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हम रोटेशन बस हमें हटानी पड़ेगी। तो ये क्लाउड मूवमेंट जो है, इसी में हम 100 मूवमेंट को पेस्ट करेंगे, और यहाँ से रोटेशन हमें हटानी है, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट इट टू रोटेट, एंड देन वी हैव टू गिव इट सम डिफरेंस। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लाउड इस वक्त एक्स माइनस 11 में पड़ा हुआ है, और अगर हम इसको एंड पे ले जाएं, सपोज हम इसको 80 पे ले जाते हैं, वेयर इट इज़, बाहर है ये, थोड़ा सा 70 पे रखते हैं, 72 कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा बाहर जाके फिर वापस आए, ठीक है, 75 इज़ फाइन, सो दैट इट गोज़ आउट ऑफ आर यू नो लिमिट एंड देन कम्स बैक, ठीक है। तो इनिशियली हमने इसको माइनस 11 पे रखा था, तो अभी माइनस 11 इज़ फाइन,
ठीक है, बाहर आ गया और 75, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसे कहाँ तक मूव करना है, 80 पॉइंट्स 85 पॉइंट्स हमें तकरीबन चाहिए, ठीक है, 75 प्लस 11 इज 86, सो वी विल मूव इट लाइक 85 86 पॉइंट्स, 85 रख लेते हैं। एंड आप इसको डायनामिक भी कर सकते हैं, हम इसको मैनुअल सेट करें, आपको यहाँ पे एंडिंग स्लैब लगा सकते हैं, एक एंडिंग टाइल मैप अलग से बना सकते हैं जिसको आइडेंटिफाई कर लेंगे जैसे ही यहाँ पहुँचे तो नया लेवल आ जाए, ठीक है, या स्कोर के हिसाब से भी हम हाँ ठीक है, जैसे ही यहाँ पहुँचे क्लाउड, ठीक है, क्लाउड को कोई कोलाइडर दे सकते हैं, कोई एंडिंग पॉइंट दे सकते हैं, तो वो वापस लेफ्ट की तरफ मूव कर सके, ठीक है, पोजीशन अगर आप नहीं देना चाह रहे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि गेम में आपने पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं हुई भी होती, ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई ऐसा कोलाइडर एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट पे रख के यहाँ लगा सकते हैं बिल्कुल लास्ट में, ये हमारा लास्ट बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे हम कोई कोलाइडर लगा के इसको दे सकते हैं, ठीक है, तो इट कैन वर्क। तो फिलहाल मैंने इसको डिफरेंस ऑफ पोजीशंस ही दे दिया, तो अब हम इसको चलाते हैं यहाँ से, ठीक है, देखते हैं कि हमारा क्लाउड जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, अभी हम और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्लाउड देख लेंगे कि इज़ इट मूविंग। ओ, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है क्या? ओ सो इट्स मूविंग, इसको हम देखते हैं कि एंड तक जा रहा है कि नहीं, आता है जी एंड तक आता है, और ठीक है जी, इसकी हम स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, स्पीड हमारी इसकी 0.5 है, तो हम इसको 0.05 दे देते हैं ताकि ये हमारा बेहतर लगे चलते हुए, ठीक है, तो ये लेक्चर हम यहीं रोकेंगे, एक दफ़ा इसको प्ले करके देख लें, उसके बाद हम और एलिमेंट्स ऐड करके और गेम को एंड की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, तो दिस इज़ अ प्रॉपर मूवमेंट आई गेस, ये अच्छी मूवमेंट है, क्लाउड चल रहा है, सो यहाँ देखते हैं कि ये यहाँ पहुँचता है, यस इट्स गोइंग हेयर, तो मे बी आप इसी क्लाउड से वापस भी आ सकते हैं, कोई आपको कुछ खाना है या कोई ऐसी हेल्प लेनी है, ठीक है, तो हम इसको अब हम अपने गेम में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये करेंगे कि हम बजाय इसके कि डायरेक्टली डायनासोर को जब इससे टकराए और उसको डेड डिक्लेयर करें, हम उसकी हेल्थ को कम करेंगे, तो हेल्थ का एक लेवल होगा, जब वो ख़त्म हो जाएगा लेवल 0 पे आ जाएगा, तो फिर हेल्थ से उसको हम डेड एनिमेशन पे ला सकते हैं, यानी 0 हेल्थ से, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है इंशाल्लाह हम उसमें इस चीज़ को कवर करेंगे, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।